नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आज दिनांक 9/4/2022 को MLC विधान परिषद सामान्य निर्वाचन 2022 जनपद औरैया के समस्त मतदान केंद्रों में चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जिलाधिकारी औरैया प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक वर्मा के द्वारा समस्त ब्लॉकों में मतदान के दौरान भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण कराने के लिए समस्त ब्लॉकों में उपस्थिति अधिकारी कर्मचारी गणों को सतर्क दृष्टि रखने के निर्देश दिया गया है। उन्होंने ये निर्देश दिया है, किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तत्काल संबंधित थाना प्रभारी उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं, जिसमें चुनाव को सकुशल व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जा सके। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए आशु भदौरिया की रिपोर्ट। सर, इसमें एमएलसी चुनाव चल रहे हैं विधान परिषद के, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, कितना पैरामिलिट्री है उत्तर पुलिस फोर्स में? देखिए, अभी जो MLC के इलेक्शन चल रहे हैं उसके लिए हम और DM साहब साथ में मिलकर के जितने भी केंद्र जहाँ मतदान हो रहा है उनका भ्रमण कर रहे हैं और इस बार सुरक्षा की दृष्टि से अलग से हमको CAPF मिली हुई है, वो भी केंद्रों में विस्थापित है। साथ ही साथ जब मतदान खत्म हो जाएगा तो जो मत पेटिका है उसको पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ से ले जाएंगे, फरीदाबाद जनपद में काउंटिंग है उसके लिए भी पर्याप्त सुरक्षा मतदान होगी। इस समय जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कितनी जगह मतदान चल रहा है? 7 केंद्रों में हमारे यहाँ मतदान चल रहा है, सभी जगह पर्याप्त सुरक्षा पर मौजूद है। साथ में हमारे पास स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी भ्रमणशील होकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर राठौर, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, रामगढ़ जिला औरैया एवं जिला संयोजक किसान यूनियन भानु, जिला औरैया। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त क्षेत्रवासियों को। संतोष कुमार डीलर, ग्राम पंचायत लखनापुर, जिला औरैया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।